दरियाबंद में धान खरीदी शुरू होने के बाद ही भी किसानों की समस्या कम नहीं हो रही है। आपको बता दें कि खासकर उड़ीसा सीमा से लगे देवभोग इलाके में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इलाके की 6 समितियों में पुराना बारदाना नहीं पहुंचने से एक सप्ताह से धान खरीदी बंद पड़ी है। लगातार चक्कर काटने के बाद भी किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। धान नहीं बिकने से किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आधा दर्जन गांव की बिजली लाइन तक कट चुकी है। इसके अलावा लगातार अवैध धान पकड़ने की जिला प्रशासन की कार्रवाई में भी किसान घुन की तरह पिस रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकारी जबरन किसानों के घरों में घुसकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक सारे कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ अवैध धान पकड़ने पे लगे हैं, लेकिन किसानों की परेशानी कोई नहीं समझ रहा। यहाँ आज एक हफ्ते से बारदाना नहीं है, एक हफ्ते से यहाँ धान खरीदी नहीं हो पा रही है। 72 घंटे में धान उठाना है, इनको धान उठा नहीं पा रहे हैं। इसी के चलते आज किसान संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है कि तत्काल सुधार लाई जाए। अगर सुधार नहीं लाई जाती है तो इसके लिए धरना आंदोलन प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जाए। नहीं, जहाँ पे शॉर्टफॉल, क्योंकि उधर पे राइस मिलर्स कम है उस साइड में, तो इसलिए वहाँ पे पुराने बारदाना, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि 60-40 का, तो उसमें बारदाना उनके हम यूज करें।